कारवांसराय में क्याम करने वाले तमाम मुसाफिरों को मेरा सलाम पहुंचे। मैं जानता हूं कि आप इस कारवांसराय में आए एक शब के लिए थे, लेकिन 3-4 दिन हो गए हैं आप रुके हुए हैं, और उसकी वजह भी मुझे मालूम है, क्योंकि आगे से खबर आई है कि तकला मकान जो डेजर्ट है वहाँ रेतली और जहरीली और बहुत गर्म हवाएं चल रही हैं, तमाम रास्ते मसदूद हो गए हैं, और उसकी रेत इतनी जहरीली है कि आंखों में चली जाए तो बंदा नाबीना हो जाता है। मैं भी एक दफ़ा वहाँ पे गया था, 2 मरतबा गया था, और तकला मकान कहा जाता है कि उसके अंदर स्पिरिट्स, जो भी लोग उसके अंदर जाते हैं उनकी रूहें वहाँ पर मौजूद हैं, और एक ज़माने तक जो भी उसके अंदर गया वापस नहीं आया। मैं यूं ही खोज के लिए तकरीबन 0.5 किलोमीटर अंदर गया था, और यकीन कीजिए कि मैं भी गुम हो गया था। जब तक वो अगर हमारे इंटरप्रेटर ना आते तो मैं भी भूख प्यास से तकला मकान की नज़र हो चुका होता। इसलिए थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, मेरा ख्याल 1-2 दिन में वो तूफ़ान थम जाएगा, और उसके बाद आप अपना काफ़िला उधर तक ले जा सकते हैं, अपना सफ़र जारी रख सकते हैं। लेकिन इस दौरान आप जानते हैं कि मौसीकी के बारे में गुफ्तगू हो रही है, और आज भी उसी मौजू पर हम बात करेंगे। ख़्वातीन हज़रात, मुझे ज़ाहिर है कि दास्तान को तो मैं अपना प्रोग्राम दास्तान से शुरू करता हूँ, लेकिन ये दास्तान जो है इसमें फ़िक्शन की कोई आमेजिश नहीं, इसमें कोई एग्जेजुरेशन नहीं, ये एज़ इट इज़ जो मेरे साथ बीती वो मैं बयान करूँगा, क्योंकि ये दास्तान मेरे दिल पे लिखी हुई नक्श है और मुझे सुख देती है, मुझे सुकून देती है, इसलिए इसमें कोई आमेजिश नहीं है। रोज़ा रसूल पे मेरी पहली हाज़री, बाबुल इस्लाम गेट है, वहाँ से आप दाखिल होते हैं, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे तामीर किया ओरिजिनली, उसके बाद आज जो गेट है बाबुल इस्लाम वो उस जगह पे नहीं है, ज़रा सा इधर हो गया है। तो बाबुल इस्लाम से मैं दाखिल हुआ हूँ, और मेरे साथ दर्जनों और भी लोग थे, और वो रोज़ा रसूल की जानिब बढ़ रहे हैं, और एक अजीब सी कैफियत है, तमाम उम्र जो ख्वाहिश की है कि अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे हाज़िरी दें, वो ख्वाहिश पूरी होने को है, लेकिन एक अजीब कैफियत मुझ पर तारी हो गई, मेरे पाँव भारी होने लगे, और मेरा जी चाह कि मैं भाग जाऊँ, मैं जा नहीं सकता था आगे। और फिर मुझे अपना बचपन याद आया कि बचपन में जो स्कूल टीचर थे वो घर का काम देते थे, और अगले रोज़ वो चेक करते थे, चुनाचे आप बैठे हुए हैं पिछले नशिस्त पे, और स्कूल टीचर कहता है कि मुसनसर आओ, तुम ज़रा घर का काम तो दिखाओ, कापी लेके आओ, और कापी कोरी है, मैंने घर का काम नहीं किया, और उधर आगे चेकिंग हो रही है, तो मेरा क्या बनेगा, ये मेरी घबराहट का सबब था। फिर मैंने सोचा कि वो तो नबियों में रहमत लकब पाने वाला है, वो तो शफात देने वाला है, वो मेरी कोरी कापी को भी देखकर भी मुस्कुरा देगा, तो मैं चलता हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता, बहुत आहिस्ता आहिस्ता लोग चल रहे थे, और उस समय ये भी अजीब सी बात है कि मेरे जहन में मुख्तलिफ फिल्मी नातें जो हैं वो गूंज रही थी, मसलन नैयरा नूर ने, शमशाद बेगम ने ओरिजिनली गाई कि पैगाम सवा लाई है गुजार नबी, ये देखे ना कि वो पैगाम लाई है सवा, कैसी पुरसोज नात है, और उसके दियार पे हाज़िरी दे रहे हैं। उसके बाद सुरैया की एक बहुत ही खूबसूरत नात, बीच भंवर में आन फंसा है दिल का सफीना शाह मदीना, और ये शाह मदीना से इल्तजा है जो वहाँ है आगे, और हमारा जो है सफीना वो भंवर में फंसा हुआ है। और यहाँ मुझे एक और शेर याद आया उस्ताद इमामुद्दीन गुजराती का, लोग उन्हें तुकबंद समझते हैं, लेकिन उनके कुछ शेर इतने ऊँचे हैं कि बड़े से बड़े शायर भी जो हैं वो उसके सामने मान पड़ जाते हैं, और उनकी नात का ये शेर जो है मेरा ख़्याल है कि नात के बड़े शेरों में शुमार होता है, ये भी ऐन उस वक्त मुझे याद आया जब मैं रोज़ा रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब बढ़ रहा था, और वो शेर है कि नबी का जिस जगह पे आस्तां है, नबी का जिस जगह पे आस्तां है,
जमीन का उतना टुकड़ा आसमां है। सुभान अल्लाह। अब हम जा रहे हैं और वही एक एक्साइटमेंट भी है, एक डर भी है, और तब एक अजीब सी कैफियत हुई जिसने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। हसरत मोहानी की एक गज़ल है जो आबदा परवेन ने गाई, जिसकी मौसीकी तरतीब दी मुजफ्फर अली ने, जिन्होंने इमराओ जान अदा बनाई थी, और वो गज़ल गूंजने लगी मेरे से। और गज़ल ये है, उसका आगाज़ कि रोशन जमाल यार से है अंजुमन तमाम। देखे ना, रोशन जमाल यार तो उधर, और जो जो इर्द गिर्द लोग जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, उनके चेहरे भी रोशन है उस जमाल यार से। और जो दहका हुआ है चमन तमाम, वो आतिशे गुल कौन है? वो नबी में रहमत लखब पाने वाला है, वो कायनात का सबसे बड़ा इंसान है, वो जिसकी जूतियों के सदके हम शायद शफात पा जाएं, वो है। और फिर उस वक्त बहुत सारे मफाहीम मेरे बदल गए शेरों के, और बाद की ज़िंदगी में भी अब भी मैं कोई भी शेर पढ़ता हूँ तो उसकी कॉनोटेशन उधर जाती है। उससे अगला शेर जो है वो है कि वल्ला रे जिसमें यार की खूबी के खुद बखुद, वल्ला रे जिसमें यार की खूबी के खुद बखुद, रंगीनियों में डूब गया पैरहन तमाम। वो जो मरकज़ के ऊपर है चादर पड़ी हुई है, वो रंगीनियों में डूबी हुई है, सब उसका रंग है, उसके नक्श है। तो वो इसलिए है को जिसमें यार की खूबी। चुनांचे आप कोई भी शेर पढ़िए, वो लामहाला जाता उधर ही। और उसके बाद मुझे जिस शेर ने, जिसे कहते हैं ना पार लंगाया, यार की कुल्ली है उस तरफ, तो वहाँ तक पहुँचाया, वो था किथे मैर अली। ये रुक के थोड़ी देर, अच्छा जी, वो बस किथे मैर अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियाँ किस जा लड़ियाँ। और वो क्या है कि किथे मैर अली कि तुम तो नीचे हो पाताल में हो, और किथे तेरी सना वो तो आसमानों पे अर्श पे है, तो ये गुस्ताख अखियाँ कहाँ लड़ गई जाके। तो आहिस्ता आहिस्ता हम बढ़ते गए और फिर रोज़े रसूल की ज़ियारत हुई। उसके बाद जो कुछ कैफियत गुजरी वो बस यूं जानिए कि मेरा एक प्राइवेट मसला है, उसको मैं शेयर नहीं कर सकता। मैं हज़रत मोहानी की गज़ल का तज़किरा कर रहा था जो आबदा परवीन ने गाई, तो बहुत मुद्दत पहले की बात है, मेरा ख्याल 25-30 बरस हो गए होंगे कि वो दो मरतबा मेरे मॉर्निंग शो में आई, तो बड़ी बालड़ी सी थी, माई मुंडा थी, इतने इतने बाल थे, लेकिन इवन देन शी वॉज़ अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। तो उसके बाद फ़ोन पे भी बात होती रही, तो उन्होंने कहा कि तार साहब मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि आप मेरे घर खाना खाएं। तो मैंने पहले तो लैतुलाल से काम लिया कि नहीं मेरा फ़र्ज़ बनता है, कहने लगी नहीं मेरे घर में बरकत होगी, जो उनका स्टाइल ख़ास है। चुनाचे हम मैं और मेरी अहलिया इस्लामाबाद में ही क्याम पज़ीर थी, हम गए तो वो सेक्शन जहाँ पे वो रहती थी सेक्टर, वो हमें तलाश करने में थोड़ा सा वक्त लग गया, 8-10 मिनट हम लेट गए। और जब हम उस गली में दाखिल हुए तो हमें ये देखने की ज़रूरत नहीं थी कि कौन से मकान नंबर में आपदा रहती हैं, क्योंकि उस मकान के सामने आपदा परवीन अपनी बच्चियों समेत और अपने खामन समेत हमारे इस्तकबाल के लिए खड़ी, और इतनी शर्मिंदगी हुई। तो उन्होंने हाथ जोड़ के हमारा शुक्रिया अदा किया। अच्छा ख़वातीन हज़रात, एक जो गलत फहमी है कि हाथ जोड़ना जो है ना, ये कोई ऐसी नहीं है कि किसी गैर मज़हब की रवायत है, नहीं, ख़ास तौर पर सिंध में जब आप तज़ीम करते हैं तो ये तज़ीम का एक तरीका है,
जिस तरह मेरे एक चाहने वाले हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता था, लेकिन वो जब भी आते थे तो मेरे कदमों को हाथ लगा के यूँ, तो मैंने एक दिन उनको डांटा कि मुझे ये पसंद नहीं है। कहने लगे जी हमारे यहाँ जो बुज़ुर्ग हैं जिनकी हम बहुत ताज़ीम करते हैं और ख़ानदान में एक हम उनको इसी तरह एहतराम देते हैं, तो हर खत्ते की अपनी रवायात होती हैं, ये नहीं है कि उनका कोई और मज़हब होता है या नहीं, वो जो ट्रेडिशन होती है उसको फॉलो करते हैं। उससे पेशतर वो हमें घर के अंदर ले गई, उन्होंने पूछा कि आप क्या खाएंगे शौक से। मैंने कहा जो कुछ आप बना लेंगे। कहने की नहीं मैं सिंधी बिरयानी बड़ी अच्छी बनाती हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो जनाब सिंधी बिरयानी उन्होंने बनाई थी और उनके मियाँ शेख साहब अब मरहूम हो चुके अल्लाह बख्शे, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपदा सुबह से खुद बना रही थी और बोर्ची खाना इतनी सादा, और तो जाहिर है कि उस जैसी बिरयानी तो हमने कभी नहीं खाई। अच्छी होगी भी तो उसमें जो सुर की उंगलियाँ थी, जो रूहानी लज्जत थी आपदा के हाथों की, वो तो नहीं थी। चुनाचे ये किस्सा हो गया। उसके बाद मेरा कोई ज़्यादा रابطہ नहीं रहा। कभी किसी फंक्शन पे मुलाकात हो गई, सलाम दुआ हो गई, किसी म्यूज़िकल कॉन्सर्ट पे। अब 2 महीने पहले मैं अपनी स्टडी में काम कर रहा था तो एक टेलीफोन आया, कोई अननोन नंबर था। अच्छा अननोन नंबर मैं ज़्यादा उठाता नहीं, लेकिन मैंने उठा लिया। तो उधर से मैंने कहा जी कौन? कि जी मैं आपदा बोल रही हूँ। अब मेरे जहन में नहीं आया। मैंने कहा कौन सी आपदा? कहें जी आपदा परवीन। मैंने कहा आपको मुझसे क्या काम है? क्योंकि एबनॉक्शस किस्म की कॉल्स ख़वातीन करती हैं तो आप ज़रा केयरफुल होते हैं। तो कहने लगी कि तार साहब मैं आपदा परवीन सिंगर बोल रही हूँ। ओहो तेरा पला हो जाए। चुनाचे बड़ी शर्मिंदगी हुई, उनसे माजरत मैंने की। उसके बाद गुफ्तगू शुरू हो गई। तकरीबन 1 घंटा हम गुफ्तगू करते रहे। तो मैंने उनसे ये पूछा कि आपको कैसे ख्याल आ गया आज मुझे टेलीफोन करने का? कहने लगे तार साहब बस ये उनका बयान था कि शायद मुझे कोई दुख थे या कोई मसले थे, तो बस कहीं से कोई सजा आई कि तार साहब से अपना दुख बयान करो, तो इसलिए मैंने फ़ोन किया है। अजीब उनका एटीट्यूड था। मैं उसके बारे में क्या कहता कि मुझे मैं तो मेरे तो अपने दुख हैं बहुत, उनको मैं सुख में नहीं बदल सका। जिस तरह फरीद ने कहा था कि दुख सभाए जग, दुख सभाए जग, कोठे चढ़ के वेख्या कर कर ए हुई अग। तो बाहर तौर उनसे गुफ्तगू होती रही, कुछ शिकायतें भी मैंने की, बच्चों के बारे में गुफ्तगू करती रही। एक शिकायत उनसे मैंने ये की, मैंने कहा जी पिछले दिनों को मौसीकी का प्रोग्राम था, उसमें आपने आपका गाना था बहुत घूम वाला या झूम, हाँ झूम, मैंने कहा उसमें ज़रूरत नहीं थी किसी और गायिका, और दूसरी गायिका जो थी वो आपके मायार की नहीं थी। तो कहने की तार साहब कुछ मजबूरियाँ होती हैं जिनकी वजह से। मैंने कहा अच्छा आपने ये वादा करना है कि आइंदा आप इंडिपेंडेंटली गाएंगे और किसी और जो है लेसर गुलकारा उसके साथ नहीं गाएंगे। अब तो उनका ये है कि हालत जज्ब में रहती हैं, वो माई मुंडा ख़त्म हो गया, इतने इतने बड़े बाल रखे हुए हैं, और बाकायदा जब गा रही होती हैं तो वो गुम होती हैं उसमें, और उसमें जो है मतलब सूफ़ी हैं, मतलब सूफ़ी की और क्या हो सकती है कि वो जो भी कलाम पढ़ रहा हो वो उसमें जज्ब हो जाए। और मैं दुआ करता हूँ कि लंबी उम्र हो उनकी। मुझे और उनके बहुत सारी चीज़ें पसंद हैं, संग लोगों ने उठा रखे हैं वगैरह, लेकिन मुझे एक उनकी आइटम बहुत पसंद है, घूम चरखड़ा घूम तेरी कत्तन वाली जीवे। मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में गुलबहार बानो का तذکرہ किया था और मैं उस वक्त भी एक हकीकत से आगाह था, लेकिन मेरा दिल नहीं चाहा कि मैं आपको उसमें शरीक करूं। बहुत दुख भरी एक है दास्तान। घर में प्यार से क्या कहते हैं आप? गुलबहार बानो कहते हैं मुझे। गुल्लू वगैरह नहीं कहते? ये तो अब आपने ही कहा है। अल्लाह अब इसके बाद गुंजाइश ही नहीं रही। पूछना तो नहीं चाहिए खवातीन से, लेकिन उम्र कितनी थी? बस 22 है।
22 साल नहीं अब की बात नहीं कर रहे सही है वो हमारे एक दोस्त थे अमेरिका में तो वो हमेशा कहते थे कि मैं 32 साल का हूँ और स्टिल होल्डिंग कभी ठहरा हुआ हूँ वहाँ तो हम कहते थे कि कितने अरसे से ठहरे हुए कि ये 18-20 साल से लेकिन ख्वातीन जो हैं वो ज़ाहिर है कि अपनी उम्र हमेशा सही बतलाती और हम इस वक्त मौसम गुलबहार में सांस ले रहे हैं। अब पूछना मैं ये चाहता हूँ कि हर शख्स को अपनी कोई ना कोई ख़ास चीज़ बहुत पसंद होती है। मसलन मुझे अपना गोरा रंग बहुत पसंद तो आपको अपनी गायकी में कौन सी ख़ास चीज़ पसंद है? वैसे तो सब चीज़ें ही पसंद है लेकिन चाहत में क्या दुनियादारी अच्छा एक खातून से मैंने पूछा था यही सवाल उन्होंने कहा जी कि रेडियो पे दरअसल पता नहीं चलता कि गा कौन रहा है तो टेलीविजन पे जरा पता नहीं चलता ना कि कैसे हैं लेकिन ये आवाज से पता तो चलता है नहीं वैसे शक्ल से भी तो पता चलता है ना शक्ल रेडियो में तो नहीं आती ना हाँ जी वो नहीं आती टीवी पे आती है अच्छा ये हमें आपने इन्फॉर्मेशन दी बड़ी जबरदस्त हमें नहीं मालूम अच्छा उसके बाद कोई ऐसा गाना जो अब याद हो आप अभी हाँ अभी तो मैं आपको नहीं उन जमानों का उन जमाने का तो वो तो काफी भूल चुकी हूँ मोहसिन भोपाली की जो गजल वो गाती हैं चाँद में क्या दुनियादारी वगैरह उसी में एक शेर है जिसका मतलब कुछ यूँ बनता है कि जब तक हंसता गाता मौसम हो तो सभी आपके अपने हैं और वक्त पड़े तो सबको अपनी अपनी मजबूरी याद आ जाती है तो गुलबहार के साथ भी यही हुआ वो जो बहार थी वो खिजा में बदली और ऐसी खिजा में बदली कि जिसको देखकर बंदे का दिल मुट्ठी में आ जाता है क्योंकि पिछले दिनों उन पर दीवानगी का एक सिलसिला शुरू हो गया दीवानी हो गई आर्टिस्ट तो पहले ही दीवाने होते और जब सचमुच दीवाने हो जाएं तो उनकी क्या हालत होती मैंने उनकी तस्वीर देखी और उस तस्वीर में जाहिर है कि वो सब कुछ ना था लेकिन एक डरावना सा एक विजुअल के कभी यहाँ हुस्न था गायकी थी अब इसके साथ क्या हो गया है जिस तरह मियां मोहम्मद साहब ने कहा है कि सदा ना मापे हुसन जवानी सदा ना बाग बहार तो ठीक है सदा हुसन जवानी तो नहीं रहते लेकिन ऐसा हाल भी नहीं होना चाहिए बहुत भुला चुके हम उनको थोड़ा सा हम उसको याद कर लेते हैं आपको पठाने खान तो याद हों यानी इतना बड़ा फोक सिंगर इतना सादा सा दरवेश मंश इंसान और इतना सादा था कि बिल्कुल झुक के रहता था तो मैंने 2-3 प्रोग्राम्स उसके साथ किए मुख्तलिफ जाहिर है कि मेरा इश्क भी तुम उसका सबसे हिट आइटम था वो ज़रूर सुनाते थे चुनाचे एक प्रोग्राम में बल्कि मेरा बेटा भी मेरे साथ था क्योंकि उसको पठाने खान बहुत पसंद था तो एक प्रोग्राम में जब उन्होंने प्रोग्राम का आगाज़ किया मुझे याद नहीं कौन सी आइटम थी तो गाया उन्होंने तो मुझे कुछ खलिश सी महसूस हुई कि जो इनका पोटेंशियल है उसके मुताबिक इन्होंने क्योंकि 2-3 प्रोग्राम मैं पहले कर चुका था मुझे पता था कि ये फ़न की किन बुलंदियों तक चले जाते हैं और उनकी आवाज़ में जो गंभीरता है जो गूंज है जो दिल पे असर करती है उसमें क्या क्या मौजें तो मैंने कहा कि खान साहब ज़रा बाहर आ जाइए आपका मेकअप ठीक नहीं वो मैंने बहाना किया मैं बाहर ले गया तो मैंने कहा बात ये है कि कुछ मज़ा नहीं आ रहा मुझे तो गायकी का नहीं पता लेकिन कुछ अंदर से महसूस होता है कि कोई कमी है तो उसको दोबारा गा दें तो कहने लगा साईं यूँ करके कहते हैं आपको असल मसला बताऊं मैंने कहा क्या सूटा नहीं लगाया अच्छा अब मैंने क्योंकि प्रोग्राम करना था तो मैंने कहा कि आप वॉशरूम में चले जाएं और वहाँ अपना सूटा लगाएं अच्छा ये देखें ये जो सिंगर हजरात हैं इनके हाँ इस किस्म की छोटी मोटी जो और ख़ास तौर पे सराइकी बेल्ट में इसको को एज सच मायूब नहीं समझा जाता चुनाचे वो गए सूटा लगा के आए और फिर वो फन की बुलंदियों पे
यूसुफ कामरान मरहूम एक दफ़ा गए इनसे मिलने, कहीं कुल्ली डाल के रहते थे कल दरिया के किनारे, मुझे तो अब याद नहीं कि कौन सी जगह थी। तो वापस आए तो यूसुफ से मैंने पूछा कि भाई कैसा गुजरा वहाँ, रात रह के आए पठानी खान के पास, कहने के बड़ा लुत्फ आया दरिया के किनारे, हमने उससे सुनते थे, लेकिन रात को नींद नहीं आई। मैंने कहा क्यों, कहने के बच्चों का बहुत शोर था। मैंने कहा बच्चे वहाँ कहाँ से आ गए, कहने के सारे पठाने खां गई। मैंने कहा कितने थे, कहने के मैं गिने नहीं लेकिन 15-16 ज़रूर होंगे। चुनाचे पठाने खां जहाँ यकता थे गायकी में, वहाँ इस मामले में भी खुद कफील थे, तो उनका जो हिट आइटम है आपको पता ही है कौन सा। मेरा एक प्रोग्राम था पहले, इनिशली उसका नाम था आज दी शाम, तो उसमें पंजाबी सिंगर आते थे, फिर उसको बदल दिया गया आज की शाम। वो 1.5-2 बरस तक चलता रहा, तो उसमें जाहिर है कि नए नए सिंगर भी आते थे, जो हमारे बड़े सिंगर थे वो भी आते थे और रिपीटेडली आते थे। जिस तरह मैंने कहा कि पठानी खां के 3-4 मैंने प्रोग्राम किए, उनमें 2 मरतबा सुरैया मुल्तानीकर तशरीफ़ लाई। अच्छा, सुरैया मुल्तानीकर की एक ख़ास आवाज़ थी और बड़ी कल्चर्ड खातून, वो भी गुफ्तगु जो है वो बहुत अच्छी करती थी। बुनियादी तौर पे जो क्लासिक था उसके ऊपर उनको पूरा बूट, और क्लासिक के अलावा जो काफ़ी वो गाती थी, वो ज़ाहिर है कि बंदा मुल्तान में रहता और काफ़ी ना गाए, ये तो हो नहीं सकता। उसमें भी उनका अपना मुकाम था। बल्कि मुझे एक दफ़ा कहने लगी कि मुझे मालूम हुआ है कि कभी कभी मुल्तान आते हैं। मैंने कहा कोई फंक्शन वगैरह, तो कहने लगी आपने मेरे यहाँ ठहरना। तो एक दफ़ा मैं मुल्तान गया, तो मैंने जब अपने दोस्तों से तذکرہ किया, और आप जानिए कि इस मुआशरे में ना एक तंग नज़री बहुत है, और ओवरऑल उन्होंने मुझे डिस्करेज किया, और मैं भी बेवकूफ़, और बहरहाल तब मुलाकात ना हो सकी। लेकिन सुरैया मुल्तानीकर को अगर आपने उनके जोबन पर देखना है, तो अपना तेरे नाम में मेहदी हसन का जो मैंने प्रोग्राम किया था, उसमें वो ऑडियंस में बैठी हैं, उसमें और भी लोग हैं, लेकिन ये ख़ास तौर पे आती थी मेरे प्रोग्राम्स में इन सिंगर्स को सुनने के लिए। और आप देखेंगे कि कैसी राना शक्ल है उनकी। तो उनका एक गाना जो उन्हें अमर कर गया, बड़े बेमुरब्बत हैं ये हुस्न वाले। अच्छा, उन ज़मानों में भी ये तय नहीं किया जा सकता था कि मलका गज़ल कौन है, फरीदा खानम है या इकबाल बानो है। चुनांचे इनके दरमियान मुवाजना चलता रहता था कि जो फरीदा गाती थी उसको परखा जाता था, जो इकबाल बानो गाती थी उसको परखा जाता था। लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि जो क्रिएटिव फ़न है, जिस तरह आप बड़े नावल जो हैं उसमें ये नहीं कह सकते कि ये नंबर वन है और ये नंबर टू है, वो अपने अपनी मुकाम पर बड़े होते हैं। ये को 100 मीटर डैश थोड़ी है कि ये फर्स्ट आ गया ये सेकंड आ, ये फिल्मों में चलता है कि हीरोइन नंबर वन है नंबर टू है। जो क्रिएटिव आर्ट्स जितने भी हैं, उनमें मुसव्विर भी हैं, उनमें ग्लूकार भी हैं, उनमें नावलिस्ट भी हैं, वो अगर कोई भी शोहरत हासिल करता है तो उसका कोई ना कोई ऐसा उसमें वसफ होता है जिसकी वजह से वो मशहूर होता है, और उसका कंपेरिज़न नहीं किया जा सकता दूसरे के साथ। इसीलिए आई फील कि फरीदा साहिबा का मैं अनफॉर्चुनेटली फरीदा खानम के साथ कोई प्रोग्राम नहीं कर सका, उनका और इनका मुआजना किया ही नहीं जा सकता। फरीदा जब मतलब गज़ल सराह होती हैं तो आपको पता है कि परिंदे जो है मशहूर होकर दरख्तों से नीचे आ जाते हैं, जबकि जब इकबाल बानो गाती हैं तो परिंदे तो क्या, उनके साथ जो फूल लगे होते हैं दरख्तों के वो भी झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो मेरी बड़ी अच्छी जानने वाले थी माशाल्लाह, और अक्सर मुलाकात रहती थी, ज़्यादातर किशोर नाहिद के घर। बाहर से जिस किसी ने भी आना तो इनको बुला लेना, और बड़ी खुशी से आती थी और सारी शाम सुनाती थी। और उन दिनों उनका जो फैज़ का कलाम था दश्ते तन्हाई में, मैं बता नहीं सकता कि उनके करीब बैठ के, महफिल की ये गुलकारें थी ना, वहाँ बैठ के जो सुनना है वो रिकॉर्ड पे नहीं है। दश्ते तन्हाई में आए जाने जहाँ, वो जो एक कहती है ना कि तुम्हारा याद का हाथ और वगैरह वगैरह, तो वो उनकी जो अदायगी थी वो कमाल की, दिल पे बहुत असर करती थी। अच्छा, एक दफ़ा हम इस्लामाबाद से मैं आ रहा था,
तो एयरपोर्ट पे उतरा तो मेरा बेटा भी मुझे लेने नहीं आया था, ये मेरे साथ ही बैठ के आई। तो मुझे कहने लगी तार साहब आप मेरे साथ चलिए। मैंने कहा मेरा बेटा परेशान होगा, वो आएगा। कहने लगी नहीं कोई बात नहीं, उसको मालूम होगा कि चले गए किसी के साथ। तो मुझे अपने घर ले गए और वहाँ जाके खाना भी खिलाया, बहुत आवभगत की। वो ये है कि भाई ओवरऑल ये जितने भी होते हैं, ये चाहे जितने बड़े हो जाएं गुरुकार, हमारे मुआशरे में कहीं ना कहीं इनके बारे में एक रुकावट है, एक नापसंदीदगी तो नहीं, यानी हम उनको अपने जैसा नहीं समझ। चाहे वो नुसरत फ़तेह अली खान, ये मुआशरे की एक बहुत बड़ी खामी भी है और बल्कि इस क्रिमिनल एटीट्यूड, लेकिन है। तो मुझ जैसे लोगों के साथ इस नौयत के लोग जो हैं वो अक्सर दिल की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि वो बहुत बड़े लोग हैं, मुझसे सबसे बहुत बड़े लोग हैं, गुणी लोग हैं। गुण किस किस में होते हैं? बहुत कम लोगों में। चुनाचे जिस तरह मैंने आपसे अर्ज़ किया कि आफ्ता परवीन ने भी अपने दुख सुख की बात की, तो क्यों मुझे चूज़ किया? क्योंकि मैं समझ सकता हूँ, मैं सिंथेटिक हूँ। तो इकबाल बानो ने भी बहुत ढके छुपे अल्फाज में कि उनके बच्चे पसंद नहीं करते, चुनांचे उन्होंने गाना छोड़ दिया। वो ये रेफरेंस उनको नापसंद था, लेकिन उससे यानी उनके एटीट्यूड में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। नहीं होता है ना कि इतनी बड़ी कुर्बानी, एक इतनी बड़ी सिंगर सब कॉन्टिनेंट की उस लेवल की, बेगम अख्तर टाइप, वो इतनी बड़ी कुर्बानी दे के अपने बच्चों के लिए वो कुर्बान कर दे अपना पूरा जो है प्रोफेशनल करियर, तो शुक्रगुजार होना चाहिए। लेकिन वो नहीं हुए और वो गुमनामी में फौत हो गई। लेकिन उन्होंने जो फैज़ गाया, देखेंगे हम भी देखेंगे, यकीन कीजिए कि पूरी दुनिया में मशहूर है और एक स्लोगन बन चुका है उन्हीं की आवाज़ के उसी सुर में, उसी धुन में। सिर्फ फैज़ साहब का कमाल नहीं है, ये इकबाल बानो का भी कमाल है। चुनांचे हिंदुस्तान में, आसाम में जो एक तहरीक थी आज़ादी की, उनका स्लोगन ही यही था, यानी वो यही गाते थे, इसी धुन में गाते थे, देखेंगे हम भी देखेंगे एक दिन ताज चले जाएंगे जब तख्त वगैरह। तो ज़रा देखते हैं। एक और मुझे याद आ रहा है, जब वो याद आने लगे तो बुरी तरह याद आ रही, दागे दिल याद आने लगे, तो वो भी कमाल की गज़ल है। फिलहाल आप फैज़ साहब का कलाम सुनिए।